is my name. Это мой money rain. No pain, no gain. Иди нахуй Monday. The raise my name. Right at the pain, pain. Залишай, бля, гамма. Assalamualaikum, welcome back to another vlog. क्या हाल आप सबका? खैरियत से हैं? कैसे गुजर रहे हैं सबके रोज़े? रमज़ान आता तो गुजर गया यार, तो आज यार बस अभी शॉपिंग वगैरह करने जाना CSD की। दूसरी बात है कि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो यार AC भी इसका ठीक करवाना है किसी दिन, और स्कूल वाला निशान हट गया। AC मैंने पिछले साल भी इसकी गैस भरवाई थी, और उसके अलावा इसका एक वॉल लीक था वो भी ठीक कर नया लगवाया था बल्कि, लेकिन अब सीन्स ये हैं कि दोबारा से AC नहीं चल रहा। मैंने इसको चलाने की कोशिश की है, आज दोबारा कोशिश करते हैं, अगर क्या पता चल पड़े, लेट्स सी। इसके मोड हैं ठीक, के हवा कैसी आ रही है। नहीं यार, हवा तो इसकी बिल्कुल नॉर्मल है, ठंडी हवा बिल्कुल नहीं आ रही। इसका मतलब है कि इसकी गैस दोबारा पड़ेगी, तो चलो देख लेते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ से मैं आटा ले लेता हूँ और उसके बाद CSD चलता हूँ। अब सबको पता है कि महंगाई भी काफ़ी हो चुकी है, तो सोच समझ की चीज़ें अब लेनी पड़ती हैं। खैर अभी मैं आटा लेने उतरूँ तो आटा भाई साहब के पास है ही नहीं, और अब हम आटा वापसी पे ले लेंगे। फिलहाल CSD जाते हैं, बल्कि अभी खाला को ही पिक करना है वहाँ से, खाले खाला को पिक कर लें कज़न के घर से। तो ये आ गया है जी कज़न का फ्लैट, मतलब खाला का और कज़न का। ये जी हम CSD पहुंच चुके हैं, अभी पार्किंग ढूंढते हैं, अगर गलती से पार्किंग मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। और पार्किंग फुल्लो फुल है, महंगाई भी है लेकिन लोग फिर भी आए हुए हैं फुल्लो फुल। देख सकते हैं कि हर लाइन फुल है, कहीं कोई जगह नहीं है पार्किंग की, और इसकी जगह अब हम लगा देते हैं। और यहाँ से लेते हैं जी साबुन, और यहाँ से लेते हैं जी टिशू का डब्बा। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले से घर में पड़ी होती हैं, तो इस वजह से सामान थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। टिशू रोल काफ़ी पड़े हुए हैं घर में, और टिशू का डब्बा ले लेते हैं। ओके, आप लोग देख सकते हैं सारे काउंटर में कितने बंदे खड़े हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि CSD की सेल कितनी है। ये आ गए हैं जी बिस्किट्स, एक तो हमने रख लिए हैं कैंडी, उसके बाद जी लेते हैं सुपर, तो भाई लेते हैं ना, सुपर के बगैर तो गुजारा मुश्किल है। मैं एक और डब्बा ले लिया चॉकलेट्स का, और खाला भागते भागते पता नहीं किधर निकल गई हैं, ट्रॉली समेत गायब हो चुकी हैं। तो खाला को ढूंढते हैं। ये हो गई है जी मसालों की कलेक्शन, ये ले लिए हैं जी हमने ब्लू बैंड और टेंडर पॉप्स,
बस यहाँ से और कुछ नहीं लेना मैंने। देखते तो हैं प्राइस क्या चल रही है। 649 फिलहाल तो महंगा नहीं हुआ पिछले महीने जैसा ही है, लेकिन जो ही रमज़ान ख़त्म होगा उसके बाद भाई देखना आप ऑयल की प्राइस कहाँ जाती है भाई, बहुत महंगाई है। लोग भी यार क्या करें बेचारे, मजबूर हैं महंगी चीज़ें लेने पे। खाना पीना तो है ना भाई, खाए पिए बगैर तो बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता, ये तो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है। तो ये तो भाई जान चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। और अभी हमने रह गई है जी हमारी चीनी, चीनी देख लेते हैं किधर है चीनी। चीनी चीनी ओके, वो है चीनी और ये है जी चीनी। 145 रुपीज़ की चीनी महंगी हो चुकी है, पहले तो 550 की थी। कर ले ख़राब है, कितना भी नहीं सकती। 42 आ रहा है। खाला ने वेट किया, वेट मशीन ही ख़राब थी और खाला खुश हो गई है कि मेरा वेट 42 केजी हो गया। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है, और हकीकत ये है कि अब हमने इस रश वाली लाइन में लगना है और बिल बनवाना है। तो आधा सामान हमने लिया और आधा नहीं लिया। ऑयल 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 तो नीचे पड़ा हुआ, ठीक है ऑयल ले लिए। हमारा सामान तो बिल बनने वाला है, बिल बन जाए तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि आज आपने सीए जी वालों को कितने पैसे दिए। इस लाइन में और चीज़ें हमने तो थोड़ी ली हैं, अभी हमारे चावल और आटा रहता है वो हमने लेना आगे से। भाई 14,000 रुपये का इतना सा सामान, काफ़ी तरक्की करेगा मुल्क और मुल्क के साथ हम भी तरक्की कर लेंगे जल्दी जल्दी से। चलते हैं जी घर की तरफ, थोड़ा हल्का हल्का सा रोज़ा लगना शुरू हो गया। यार सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सामान वगैरह छोड़ दिए और आटा और चावल भी ले लिए घर पे, छोड़ भी दिए। अब एक और काम है जी पानी भर के लाए, क्योंकि घर में पीने वाला पानी ख़त्म हो चुका है, तो पानी भर के ले आते हैं। अब अल्लाह करे वहाँ पे पानी भर के ले आते हैं, अब अल्लाह करे वहाँ पे रश ना हो। तो ये जी पानी की बॉटल्स रख दी हैं और चलते हैं अब कार की तरफ। गाइस सामान वगैरह सारा हो गया, पानी मैंने भर लिया, तो बस अब मैं घर की तरफ ही चलता हूँ। ये मेरा नया चैनल है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट तो करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊँ। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग भी कर सकूँ और रोज़ के रोज़ व्लॉग बना सकूँ, और थोड़ी गाड़ी की काम वगैरह भी करवाने, मॉडिफिकेशन भी करवानी, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही अगले व्लॉग्स में अपलोड करूँगा। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।